गुरुकेताल के सामने हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के समय जिलाधिकारी आगरा भानुचंद गोस्वामी ने मौके पर पहुंचकर ओवरलोड वाहनों और अवैध तरीके से सवारी लेकर चल रहे ऑटो पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद आगरा पुलिस ने अभियान चलाकर ऑटो में लगी एक्स्ट्रा सीटों को हटाने और ओवरलोड वाहनों को सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। जब डीजी महाराजा न्यूज की टीम शहर के बिजली घर भगवान टॉकीज रामबाग चौराहे पर पहुंची तो हालात पहले जैसी नजर आई। ऑटो चालक ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां लेकर पुलिस के अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई नाबालिग भी ऑटो चलाते हुए मिले। हादसे में एक बच्चे की मौत होने के बाद भी ऑटो चालक सबक नहीं ले रहे हैं। कार्यवाही के बाद भी आगे नाबालिग बच्चों को बिठाकर ले जा रहे हैं। शहर भर में चल रहे पुलिस के अभियान में ऑटो में लगी एक्स्ट्रा सीटों को हटाया जा रहा है और अवैध तरीके से दौड़ रहे ऑटो और ओवरलोडिंग वाहनों को सीज किया जा रहा है, लेकिन ऑटो चालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑटो चालक पुलिस कार्यवाही को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। सिकंदरा गुरुकेताल पर हुए हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑटो ड्राइवरों को समझाया जा रहा है, उनकी जो आगे की एक्स्ट्रा सीट है उन्हें खोला जा रहा है, फिर भी तस्वीरें सुधरने का नाम ले रही नहीं रही हैं। आप तांगे तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, लगातार ऑटो ड्राइवरों को कोई पुलिस के अभियान का डर नहीं है। लगातार सवारियाँ भर रहे हैं, नाबालिगों को लेकर चल रहे हैं। तमाम जो ड्राइवर हैं ऑटो ड्राइवरों का सुधार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा और आगरा पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। थाने से लेकर चौकियों तक ऑटो को पकड़ उनकी सीट खोली जा रही है, लेकिन फिर भी ऑटो के हालात जस के तस बने हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के अभियान को ये ऑटो ड्राइवर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए आप, नाबालिग ड्राइवर और नाबालिग ही सवारियां बैठा के लगातार ये सवारियों को ले जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का जो ट्रैफिक अभियान है उसे पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस अभियान को जोरों से चला रही है और ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऑटो ड्राइवर है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने साथी रंजीत चौहान के साथ ब्रजकिशोर शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।